राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। भारत बांग्लादेश बॉर्डर के पास बुधवार को घुसपैठ कर रहे करीब 500 बांग्लादेशी को बीएसएफ के जवानों ने जलपाईगुड़ी के पास रोक दिया। नॉर्थ बंगाल फ्रंटियर के मुताबिक ये लोग बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों के हमलों के डर से इकट्ठा हुए थे। बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने इन लोगों से बात की, जिसके बाद ये सभी लौट गए। बांग्लादेश से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ हाई अलर्ट पर है। बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफे के बाद आज अंतरिम सरकार का गठन होगा। 15 सदस्यीय इस सरकार का नेतृत्व नोबेल प्राइज विजेता मोहम्मद यूनुस करेंगे। रात 8:30 बजे सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। यूनुस आज दोपहर 2:40 पर पेरिस से बांग्लादेश पहुंचेंगे। ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक शपथ समारोह में करीब 400 लोग शामिल होंगे। बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकार उज रहमान ने बुधवार को शपथ ग्रहण से जुड़ी जानकारी साझा की थी। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।